अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्जुमन अख्तर और मैं इंडिया आ गई हूँ। 27 को मेरी फ़्लाइट थी, एम्बेसी ने मेरी सारी हेल्प की और मेरी मैं बिहार एक्सप्रेस का अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मेरी बहुत मदद की, उन्हीं की वजह से मैं आज अपने घर सही सलामत पहुँच पाई हूँ और मैं इंडिया आज अपने घर अपने बच्चों के पास हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी लेडीज़ बाहर काम करने के लिए जाती हैं गल्फ में, गल्फ कंट्री में, तो उनको मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, तो सबसे पहले वो एजेंट के थ्रू ना जाए, क्योंकि अगर वो एजेंट के थ्रू जाती है हाउसमेट में ही उन्हें जॉब मिलती है और एजेंट ही उन्हें फंसाते हैं। आज गल्फ के हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में एक एक लेडीज़ इंडिया की फंसी हुई हैं। मैंने अजमन में मैं रही और हर एक विले में एक एक इंडिया की लड़कियां हैं और सबके साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी है प्रॉब्लम जो वो वहां पे सह रही हैं। मैंने बहुत ही अल्लाह की तरफ से मैं सोचूंगी कि एक मददगार मुझे मिला जो बिजनौर एक्सप्रेस के थ्रू मुझे निकाला गया एक तरह से, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं निकल सकूंगी, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। और मैं यही कहूंगी कि आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जो मैं घर आ गई, इसीलिए मैं सब लड़कियों को और सब लेडीज़ को यही कहूंगी कि प्लीज़ जहां तक हो सके कंपनी के थ्रू जाएं। ठीक है, वो मजबूरी है, सब पैसे की ज़रूरत होती है, मुझे भी थी, मैं फंसी, मैं नहीं चाहती हूँ आगे और भी कोई लड़की फंसे, इसीलिए मैं खास के ये बात कहना चाहती हूँ। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। दुबई में फंसी बिजनौर की नगीना की बहू बिजनौर एक्सप्रेस की मदद से अंजुमन लौटी। अपने देश बता दें कि अरब अमीरात की दुबई में फंसी बिजनौर के शहर नगीना की एक बहू ने बिजनौर एक्सप्रेस से मदद की गुहार लगाई थी। ये महिला दिल्ली के ओखला जाकिर नगर से है और नगीना में इसकी ससुराल है। कुवैत में रहे आसिद नजीबाबादी ने बताया कि हमारा हमेशा की तरह यही प्रयास रहता है कि पीड़ित सकुशल अपने वतन वापस लौटे, जिसके लिए हमने हमेशा की तरह जमीनी स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी थी। दुबई में रह रहे आदिल चांद और बिजनौर एक्सप्रेस के सदस्य जैदू सब्बाक का योगदान सराहनीय रहा। रिपोर्ट बाई आसिद नजीबाबादी।